ਹੋਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਤੰਦੂਰ ਮੇ ਦਾਲ ਕਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਈ ਤੁਮੇ ਔਰ ਲੰਦਰ ਮੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਲੰਦਰ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਜਾਇਕੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਤਾਏਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਓਲਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਨੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਵ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਈਵਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਤੰਦੂਰ ਮੇ ਦਾਲ ਕਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਈ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਈ ਬਾਤ ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੜੀ ਤਰੀਫ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੀ ਦਾਲ ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਮੇ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਮਕੋ ਵੀ ਖਿਲਾਏਂਗੇ ਖਿਲਾਏਂਗੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੁਛ ਬਤਾਏ ਦੇਖ ਮੇ ਦਾਲ ਪਕਾਤੇ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਮੇ ਫਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਕਾ ਖਾਣੇ ਕਾ टाइमिंग टाइम 11:30 12 बजे सुबह चालू करते हैं रात को 10:15 बंद करते हैं 10:15 बंद करते हैं परौंठा लच्छे वाला देसी घी और आटे का बनाते हैं आटे का परौंठा बनाते हैं मैदा बिल्कुल नहीं डालते ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को और जवैन लगा के बनाते हैं ये लच्छा परौंठा बनाने लगे अंकल जी मैदा के आटा है ये आटा है पूरा आटा है हाँ जी नमक वगैरह डालते हो उसमें नहीं कुछ नहीं डालते सिर्फ जवैन डाल के बनाते हैं परौंठे की अच्छी तरह से पिटाई हो गई है देसी घी और आटे से लच्छे परौंठे की पेड़ा तैयार हो गई है देखिए कितने साल पुरानी है दुकान जी 75 साल पुरानी 1950 में हमारे पिताजी ने खोली थी काम हमारा हल्का फुल्का ही है लेकिन काम देसी घी का करते हैं काम देसी घी शौक वाले चंद आदमी आते हैं खाना खाने वही आ गई जी राशि वाली बात नहीं ये देखिए जी प्याज इसी तरह से भुन गए हैं लाल मिर्च डाल दी है और ये टमाटर डाल दिए हैं ये आ गई जी टमाटर अब दाल डाल दो देख में पकाई जाती है हाँ जी कितनी देर लगती है देख में जी देर में कितनी देर लगती है देख में 7-8 घंटे लगे 7-8 घंटे लगते हैं सारा दिन बनती रहती है और ये क्या जी अब दोबारा तंदूर में गर्म करने के लिए तैयार है तंदूरी मुर्गा तंदूरी चिकन आदि तो तुम देखा होगा पर तंदूरी दाल नहीं देखी होगी और दाल इन्हों की लाजवाब कमालदार शानदार आ चेक करो जी थोड़ा अगे आओगे भाजी और कैमरामैन भाई के हाथ में भी दाल की एक प्लेट हैगी है जो कि भाजी ना इसलिए कहते मैं नहीं रुकना मैं भी नाल टेस्ट करना भाई ट्रेनिंग के लिए तैयार है और जो लच्छा परांठा है यहाँ आटे का बनाया जाता है ये वाइट हमारी रेडी है भाई साहब ढाबे की दाल अमृतसर में हमने बहुत ज़्यादा खाई है मतलब जो अंकल की दाल है ना लाजवाब कोई खाना जाता है तो यहाँ ज़रूर आए लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और छोटी सी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें चलदान बाबा मिट्टी के बर्तन में क्यों रखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में पॉइजन नहीं होता पॉइजन नहीं होता स्टील में गाय के छेद की बहुत ध्यान रखा जाता है।